सर खाते जाएगा। और क्या करा है मोदी ने, महंगाई बढ़ाई है, बाकी कुछ नहीं करा। पेट्रोल के दाम देखो, डीजल के दाम देखो, हर चीज के दाम देखो, सब्जियों के दाम। गरीब आदमी खाएगा कहाँ से? बसेगा हम नहीं बसेंगे, ठीक है। इतनी महंगाई कर दी है, काम धाम नहीं है। मायावती जो काम मायावती करती है, देश में कोई करता ही नहीं होगा, कोई देश में करता ही नहीं होगा जो मायावती कर रही है। 85 साल का बुड्ढा, उसने अपनी बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, तो वो देश क्या चलाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। और अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं वो न्यू दिल्ली का बापा नगर। और जब अपनी चुनावी यात्रा में थे तो यहाँ पे जो है बसपा की एक रैली, हम उसे कवर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, यहाँ चुनाव चल रहे हैं तो क्या लग रहा है, इस बार मोदी जी फिर से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे मोदी जी, नहीं आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो चुनाव में कह रहे हैं कि 400 सीट हम लाएंगे। नहीं, तो यहाँ पे देखिए कि किस तरह से जो है रैली में लोग लगातार यहाँ पे एक भीड़ में उमड़ी हुई है यहाँ। तो इस तरह से जो हम इधर आने की कोशिश करते हैं, भाई क्या लग रहा है, इस बार मोदी जी फिर से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कौन आ रहा है इस बार? सर खाते जाएगा और बसपा आ रही है। बसपा जी, लेकिन मोदी जी के लोग तो कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, यहाँ से फिर से जीत जाएंगे, तीसरी बार जीत जाएंगे। वो तो वक्त बताएगा। क्या करा है मोदी ने, महंगाई बढ़ाई है, बाकी कुछ नहीं करा। पेट्रोल के दाम देखो, डीजल के दाम देखो, हर चीज के दाम देखो, सब्जियों के दाम देखो, गरीब आदमी खाएगा कहाँ से? मोदी जी ने कहा कि हमने राम मंदिर बना दिया है, राम मंदिर में वो बस जाए, हम नहीं बस रहे, बसेगा हम नहीं बसेंगे, ठीक है। और कश्मीर में 370 खत्म किया है। हाँ जी, तो खत्म किया, उसके लिए बोल सकते हैं, फिर भी तो वो ब्लास्ट करते हैं, फिर भी तो वो ब्लास्ट होते हैं वहाँ पे, फिर भी तो आतंकवादी फैला जाती है वहाँ पे, भूकंप मर रहा है, इतनी महंगाई कर दी है, काम धाम नहीं है हमारे आदमियों के, तो बताओ क्या करेंगे हम? उस सरकार तो कह रही है कि हमने उज्ज्वला गैस योजना में आप लोगों को बहुत कुछ सस्ता सिलेंडर दिया है। सिलेंडर से क्या होता है? सिलेंडर से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अभी तो करा 800 रुपए का आप करा है ना, इस जगह में जब ये वोट के चक्कर में करा है ना, हमारे लिए कुछ नहीं करा मोदी ने दिल्ली के अंदर। अगर काम धंधा खरीदेगा मोदी देगा तो सिलेंडर भी खरीद पाएगी मोदी। नहीं, उनका कहना है कि हमने आमदनी बढ़ा दी है लोगों की। कुछ नहीं बनाया, प्लॉट देंगे, कुछ नहीं करा मोदी ने, भूखा मार दिया लोग बागों को, भूखा मार दिया लोग बागों को। वो तो 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन भी तो दे रहे हैं। हमें नहीं दे रहा राशन, तो हर कोई खरीद लेगा, कमाई होगी तो राशन कार्ड तो बन नहीं रहे, तो ये बताओ हमें मिलेगा? कच्चा खाएंगे राशन कार्ड नहीं, राशन कच्चा खाएंगे, उसे पिसाने के लिए पैसे चाहिए, उसे जो बनाने के लिए भी गैस चाहिए। बोल तो रहे कि हमने लगातार काम दिया है, हमने लोगों का श्रम कार्ड बनवाया है, पेंशन योजना है महिलाओं के लिए, पूरा राशन भी नहीं मिल रहा, पूरा राशन भी नहीं दे रहा, क्या करा मोदी ने? कुछ नहीं करा, पेंशन मिल रही है, तनख्वाह वालों को तनख्वाह मिल रही है, हम जैसे मजदूरों को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, मजदूरों को तो कुछ नहीं मिल रहा। वो मजदूरों के लिए भी कुछ बोलते हैं कि ई श्रम कार्ड हमने बनवाया है, सबको मनरेगा के तहत काम दे रहे हैं। कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ई श्रम कार्ड में, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। पिछले 10 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं करा, हमारी तरह गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करा। हम तो भूखे मर रहे हैं, महंगाई इतनी कर दी, मजदूर आदमी है, बताओ क्या करेंगे हम? तो हम इसमें रैली में नहीं आते, जो हमारे लिए करा होता, हमारे लिए कुछ नहीं करा। तो मोदी जी तो बोल रहे हैं कि देश का नाम जो है विदेशों में बहुत ज्यादा हो रहा है। मायावती जो काम मायावती करती है, देश में कोई करता ही नहीं होगा, कोई देश में करता ही नहीं होगा जो मायावती करी है। आप क्या कह रही हैं कि कौन यहाँ कौन आ रहा सरकार में? मायावती को देंगे, मायावती ही आएगी, मायावती जी आ जाएंगी। हाँ जी, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर से दिल्ली की 7 सीटों पे हम जीतेंगे। और यूपी बोलने तो क्या होता है, ऐसे थोड़ा बोल लेते आ जाएंगे कोई। हाँ। जो जहाँ सपोर्ट मिलेगा हम उसको देंगे ना। हाँ। जहाँ हमको फायदा होगा, बेनिफिट जो फायदा होगा, जहाँ जो हमें देगा। क्या फायदा है मायावती जी से? उसको होगा, कोई तो सुविधा होगी, जब भी तो पब्लिक आएगी कोई तो सुविधा होगी। मायावती अच्छा काम करती है, मायावती से काम करती है। हाँ जी, और मोदी जी अच्छा काम नहीं करते? मोदी जी क्या काम करे, महंगा सिर रख दिया मोदी, उन्होंने अपना घर छोड़ा है, मोदी ने भूखा शुरू से छोड़ के बैठा, 85 साल का बुड्ढा, उसने अपनी बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, तो वो देश क्या चलाएगा? जिसने अपनी बीवी छोड़ दी, देश क्या चलाएगा?
मोदी अच्छा काम नहीं करता तो हम कैसे दे दे वोट उसको मोदी को, इतनी महंगाई। मोदी जी क्या, तो आपने देखा कि किस तरह नई दिल्ली में जो महिलाएं जो है खोल रही हैं मोदी जी का नाम सुनते ही कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है।